हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे एप्पल से बहुत ही टेस्टी रेसिपी। आप देख सकते हैं, खास करके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आएगा बेल बटन, उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बहुत आसान है बनाना। यहाँ मैंने दो एप्पल लिया है और इसको हम काट लेंगे। इसको लंबे टुकड़ों में काटना है, तो इसका जो वेस्टेज पार्ट है उसको हम हटा देंगे साइड से, और बीच में जो इसका बीज है वो भी हम हटा देंगे, और इस तरीके से इसको लंबे टुकड़ों में काटेंगे। और काटने से पहले इसको अच्छे से धो लेना है। तो यहाँ हम इसका बीज वाला जो हटा देते हैं, जो बीज वाला साइड होता है जिसमें बीज होता है काफ़ी सारा, और अब हम इसको लंबे टुकड़ों में काट लेंगे इस तरह से। तो दोनों ही एप्पल को हम यहाँ पर काट लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इसको कट कर लिया है, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। इसको रखते हैं साइड में। यहाँ लेंगे एक मिक्सर जार, छोटा वाला मैंने लिया है। इसमें हम डालेंगे लगभग 50 ग्राम चीनी, और इसके बाद इसमें 2 बड़ा चम्मच डालेंगे तेल। तो कोई भी अनफ्लेवर ऑयल आप ले सकते हैं, मतलब बिना कोई फ्लेवर वाला। दोनों चीज़ों को 10-15 सेकंड के लिए हम चला लेंगे ताकि ये दोनों चीज़ें पीस जाए अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दूध, 2 से 3 चम्मच, और इसको भी मिक्स कर देंगे, मतलब चला लेंगे 15-20 सेकंड के लिए ताकि ये फ्लफी हो जाए। अच्छा सा क्रीमी सा देखिए अच्छा सा पेस्ट बन करके तैयार है। अब लेंगे कोई भी बर्तन हम मिक्सिंग करने के लिए, और उसमें हम डाल देंगे ये तेल और चीनी का पेस्ट। तो सारा हम यहाँ पर निकाल करके इसमें डाल देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। यहाँ मैंने 100 ग्राम मैदा लिया है। तो सारी चीज़ें मैं आपको ग्राम में बता रही हूँ। 100 ग्राम मैदा लेंगे, और पहले हम इसको ऐसे ही मिला देंगे, और अब जो इसमें ज़रूरत लगेगा तो इसके बाद हम इसमें दूध डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे, ज़्यादा दूध इसमें हम नहीं लगेगा, आधा कप से भी कम इसमें दूध एक्स्ट्रा लगा है। और अच्छा सा पेस्ट हम इसका बना करके, बैटर हम बना करके तैयार कर लेंगे, जैसे हम पकोड़े बनाने के लिए बनाते हैं, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ज़्यादा पतला। तो टोटल मैंने इसमें 3 बड़ा चम्मच दूध और डाला है। अच्छे से हम मिक्स करेंगे इसको, और देखिए अच्छा सा बैटर हमारा तैयार है। इसको रखेंगे साइड में। यहाँ हम रखेंगे गैस पर, कोई भी कढ़ाई या पैन ले लीजिए। आप कोशिश करें कि नॉन स्टिक ले। थोड़ा सा घी डालेंगे, बहुत ही थोड़ा सा मैंने डाला है, 1 छोटी चम्मच के लगभग। और यहाँ मैंने 1 बड़ा चम्मच चीनी लिया है। 1 चम्मच इसमें पानी डालेंगे और चीनी को मेल्ट होने तक पकाएंगे। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना, खास करके बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। चीनी मेल्ट हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे यहाँ पर सारा कटा हुआ सेब, और सेब को हम चीनी के साथ ही लो फ्लेम पे आधा पकने तक पकाएंगे। थोड़ा सा हम इसको सॉफ्ट करेंगे, मतलब 50% तक। पूरी तरीके से सेब को गलने नहीं देना है, बस आधा पकने तक इसको पकाना है, और फ्लेम को लो पे ही रखेंगे। तो यहाँ देखिए सेब हमारा आधा कुक हो गया है। गैस के फ्लेम को एकदम लो पे रखेंगे, और इसको हम पूरे कढ़ाई में फैला देंगे। और अब जो यहाँ पर हमें काम करना है, यहाँ पर हम लास्ट में डालेंगे बेकिंग पाउडर। तो 1 छोटी चम्मच यहाँ पर मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, इसको लास्ट में ही डालना है, क्योंकि इसको मिलाने के बाद जो रखना नहीं होता है, तो फटाफट से इसको हम डालेंगे पैन में, तो इसलिए पहले से इसको बेकिंग पाउडर को मिला करके ना रखें। और बस इसको मिक्स करने के बाद ऊपर से यहाँ पर हम डाल देंगे ये बैटर। इसको आप एप्पल पैनकेक बोल सकते हैं।
तो पूरा बैटर हम इसमें अच्छे से फैला देंगे सेब के ऊपर, और इसको 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से ढक करके पकने के लिए छोड़ देंगे। 1-2 मिनट आगे पीछे हो सकता है टाइम का, तो आपको 5-6 मिनट बाद एक बार चेक कर लेना है। इसको हम ढक देते हैं और 5 से 6 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए पूरे इसको 6 से 7 मिनट का टाइम लगा है पकने में, और ये ऊपर से ड्राई दिख रहा है, तो इस तरीके से आपको देख लेना है। और आप चेक भी कर सकते हैं इसको चाकू से, जैसे हम केक को चेक करते हैं अंदर से कच्चा है कि नहीं, तो चाकू गड़ा करके इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, क्लीन निकले तो समझ जाइए कि ये अच्छे से पक चुका है। और बस गैस को ऑफ करेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, मतलब 5 मिनट, और इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे अलग प्लेट में, ऊपर से रखेंगे प्लेट और पलट करके इस तरीके से निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारा सुपर टेस्टी एप्पल पेनकेक तैयार है और काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बच्चे तो इसको देखते ही फटाफट से खाने लगेंगे, और सच में काफ़ी टेस्टी भी लगता है। मैं बहुत बार ऐसे बनाती हूँ, बच्चों को काफ़ी पसंद आता है, तो एक बार आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।